हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब एकदम मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपके साथ एक नेचुरल होममेड हेयर डाई प्रिपेयर करने वाली हूँ, और इसमें हम ना ही हिना पाउडर मेहंदी का यूज़ करेंगे, ना ही इंडिगो पाउडर का यूज़ करेंगे, और ना ही कोई केमिकल का यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों के बिना हम एक नेचुरल DIY डाई प्रिपेयर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि इंस्टेंट हेयर डाई है। कई बार क्या होता है कि हमने अपने बालों पर इंडिगो, मेहंदी, हिना या फिर कुछ भी कलर अप्लाई किया है और हमारे एक दो बाल वाइट रह गए हैं, और उस टाइम आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ना ही आपके पास टाइम रहता है इतना कि हम अगेन जो हिना या कलर को अपने बाल पर अप्लाई कर सके। तो उस केस में जो ये डाई है ना, वो कमाल का काम करती है। अगर आप इस डाई को अप्लाई कर लेंगे तो आप इसको लगा के कहीं भी जा सकते हैं, इंस्टेंटली वर्क करती है, आपके बाल एकदम ब्लैक हो जाएंगे, और इसको लगाने के बाद आपको अपने बालों को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका क्या है यूज़ करने का, वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए गाइस, और अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नेचुरल DIY हेयर डाई को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल बनके तैयार होता है कार्बन रिच मटेरियल से। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ये नेचुरल केमिकल फ्री है, एकदम नेचुरल है, तो आप इसको बिना डरे यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों को इंस्टेंट ब्लैक करने वाला है। तो आप यहाँ पर 2 चम्मच के करीब यहाँ पर पाउडर ले लीजिए। अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आपको चारकोल की टैबलेट्स मिल जाएंगी, उनको आप पीस के पाउडर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पाउडर को इसमें कलेक्ट ही किया था इस बाउल में, और मेरे हाथ में जो ब्लैक कलर है कितना अच्छा आ गया है। तो अगर आपके सफ़ेद बाल ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लीजिए, कम है तो कम ले लीजिए आप। अब इसका जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपको क्या करना है, आप इस चारकोल पाउडर को जब हिना प्रिपेयर करें, अगर आप हिना यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, उसमें 1 to 2 स्पून ऐड कर सकते हैं। ये आपके बालों को ब्लैक कलर देने में हेल्प करेगा। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो कौन सा है, वो इंस्टेंट हेयर डाई है। आप इंस्टेंटली अपने बालों को काला कर सकते हैं। अगर आपके एक दो बार सफ़ेद हो गए हैं और आपको इंस्टेंटली कहीं पार्टी में जाना है और आपके बालों को काला करना है एकदम, तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों को केवल 5 मिनट में काला कर देगी, और अब जो आपके बाल हैं एकदम नेचुरल ब्लैक लगेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अब जितना आपने यहाँ पर चारकोल पाउडर लिया, अराउंड 2 स्पून चारकोल पाउडर लिया है, तो 2 स्पून के अराउंड ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है एलोवेरा जेल। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस केवल ये दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके ही हमारा जो नेचुरल हेयर डाई है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें हमने एलोवेरा जेल यूज़ किया तो ये एलोवेरा जेल बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बालों पर। इसको हम एज ए कंडीशनिंग भी अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसको लगाएंगे 5 मिनट में ही जो आपके बाल हैं सफ़ेद वो एकदम काले हो जाएंगे, और जो चिपचिपापन है, गीलापन है एलोवेरा जेल का, वो आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप किसी ब्रश की हेल्प से, टूथब्रश या फिर जो डाई वाला ब्रश होता है वहाँ पर इसको अपने सफ़ेद बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, सबसे बेस्ट है ये वाला मेथड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लेना है पैन, कोई भी बर्तन लेना है, उसमें ऐड करना है एक कप पानी, और उसमें हमें ऐड करना है 2 स्पून चाय पत्ती। जो चाय पत्ती हम नॉर्मल यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, वो यूज़ करनी है। और उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसमें क्या है कि आपको चाय की पत्ती में जो आपके बालों में शाइनीनेस है, कलर है, वो वापस लाने में हेल्प करेगा। इसमें होता है कैफीन, तो हमारे बालों को काला करने बहुत अच्छे से काम करती है। आप इस पानी से अपने बालों को रिंस भी कर सकते हैं, इससे जो आपके नेचुरल कलर है बालों का वो वापस आएगा। इसको ठंडा करना है, जब तक इसको तब तक बॉईल करना है जब तक जो पानी है हमारा आधा क्वांटिटी ना रह जाए, जैसे जो गुडनेस ऑफ चाय की पत्ती की वो सारे इस पानी में ना आ जाए। उसके बाद आपको इसको छान लेना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो हमने एलोवेरा और यहाँ पर चारकोल पाउडर का पेस्ट बनाया था उसमें आपको 2 से 3 स्पून यहाँ पर ऐड करनी है। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, एक साथ मत ऐड कीजिए, नहीं तो जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा गीला हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा ऐड कीजिए, फिक्स मिक्स कीजिए, फिर थोड़ा सा ऐड कीजिए।
और आपको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट फॉर्म का बनाना है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा, जिससे इजीली आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकें। जो डाई फॉर्म कंसिस्टेंसी होती है आप वैसा मान सकते हैं, या फिर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप अपने बालों पे इजीली अप्लाई कर सकें वैसा आपको रखना है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके चाय की पत्ती का इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको आपको किसी हेयर डाई ब्रश की हेल्प से पूरे बालों पर अप्लाई करना है, कोई केमिकल नहीं है तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। लेकिन जो ईयरली रेमेडी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी, आप इसको लगा के 2 से 3 घंटे रखिए और उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और तभी आपको जो ये कलर डाई है ये भी आपके बालों को धीरे धीरे ब्लैक करना स्टार्ट कर देगी। तो फर्स्ट टाइम में आपके बाल ब्लैक नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो इसका सेकंड वाला प्रोसेस था कि आप अपने बालों को इंस्टेंटली ब्लैक कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने जो सेकंड वाली रेमेडी है उसको खुद ट्राई किया है। अगर आपको कहीं बाहर जाना, आपको अपने बालों को इंस्टेंटली ब्लैक करना हो, तो आप सेकंड वाली तरीका ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन काम कर, एकदम जो आपके बाल हैं एकदम नेचुरल ब्लैक हो जाते हैं और आप अपने बालों को बहुत ही मिनटों में ब्लैक कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। अगर कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करने वाले हैं तो अपनी ट्राई करने के बाद जो अपना एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।